प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और वुल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज सुबह पालमपुर के संयुक्त कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को एक महीने के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीएम ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर सभा पालमपुर के अध्यक्ष और प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य डॉक्टर एचआर नूर व प्रदेश आईटी विभाग सह संयोजक मनोज रतन भी उपस्थित रहे। त्रिलोक कपूर ने जानकारी दी कि स्थानीय लोगों व अंबेडकर सभा की वर्षों की लंबित मांग को जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने इस प्रतिमा के निर्माण के निर्देश दिए थे। पहले इस कार्य के लिए 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन सभी पक्षों के सुझाव और अंबेडकर सभा की मांग पर यहां बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा लगाने का आग्रह किया गया। जब इसका दोबारा प्राकलन तैयार किया गया तो वे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा भाषा व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर से मिले और उनके समक्ष यह विषय उठाया। त्रिलोक कपूर के आग्रह पर मंत्री ने इस कार्य के लिए शेष राशि जारी करने का आश्वासन दिया था। त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार सदैव जन भावनाओं का आदर करती है, इसका जीता जागता प्रमाण पालमपुर है। पालमपुर से भाजपा का विधायक ना होते हुए भी मुख्यमंत्री ने विकास में कोई कमी नहीं आने दी है, चाहे पालमपुर में मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा का विषय हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की मांग को पूर्ण करने की बात हो। मुख्यमंत्री ने उदार हृदय का परिचय देते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा भाषा व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रतिमा के कार्य के जल्द पूर्ण होने पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका अनावरण करेंगे। कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पर स्वयं में चुनाव नगर निगम के चुनाव के अवसर पर यहाँ पर जो एक जनता को विश्वास दिया था, विशेषकर जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के जो हमारे सभी सम्माननीय सदस्यगण थे, उन्होंने इस विषय को प्रमुख रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा था और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही हम यहाँ पर ये जो हमारा एसडीएम परिसर है इसमें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। और आज उस दिशा में यहाँ पर जो मैं मौके पर आया हूँ, देख रहा हूँ कि लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए जो है वो अपने प्रयास शुरू कर दिए। शुरू में ये राशि जो थी लगभग 8 लाख के करीब थी, लेकिन बाद में फिर विचार बदल गया कि यहाँ पर जो बाबा जी की जो स्टैचू है वो आदमकद की लगनी चाहिए। फिर दोबारा से हमने फिर व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय भाषा और संस्कृति मंत्री ठाकुर गोविंद जी से दोबारा अलग से बातचीत की और उन्होंने भी पूरा विश्वास दिलाया है कि जो 12 लाख रुपये का अतिरिक्त एस्टिमेट प्रकलन विभाग ने बनाकर भेजा है उसको तुरंत सरकार जो स्वीकृति देगी। और मुझे लगता है कि सितंबर माह के अंत तक एक बहुत ही यहाँ भव्य दिव्य एक मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस एसडीएम परिसर में हम सबको देखने को मिलेगी और बड़ी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण होगा। मुझे आज इतना ही कहना है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।